ये कारा के मुकाम पर ही एक्सीडेंट हुआ है। मेटाडोर जो 27 सीटर मेटाडोर होती है उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये 30 से जा रही थी टुवर्ड्स गंदो, तो ये कोई 500-600 फुट जो है नीचे रोल डाउन हुई है और इसमें ऑलमोस्ट सभी जख्मी हैं, लेकिन एक लेडी की डेथ हो चुकी है और जो 5-10 और जो हैं वो थोड़ा सीरियसली इंजर्ड हैं। तो बाकी का ट्रीटमेंट यही होगा, जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। पहले इनको 30 हॉस्पिटल में लाया गया, वहाँ से प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करके डोडा इमीडिएटली भेजा गया। एम्बुलेंस सामने 7-8 जो है वो मुहैया कर ली थी हर तरफ से, पुलिस की एम्बुलेंस भी गई, आर्मी की भी हमने कॉल कर ली थी, तो अब इनको जम्मू शिफ्ट किया जा रहा है जो सीरियसली इंजर्ड है। आराम से। इस तरीके की घटनाएं डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस साल काफ़ी हुई हैं और मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूं लोगों से कि 2-3 चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैंने देखा कि पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं, 25 की कैपेसिटी होगी तो 50-50 पैसेंजर्स बैठ जाते हैं। और दूसरा है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए भी जो भी यहाँ ऑफिसर्स हैं वो ये चेक करें, ये इंश्योर करें कि जो भी ड्राइवर है उसके पास पूरा पैसेंजर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और व्हीकल जो होगा व्हीकल की पूरी पासिंग होनी चाहिए और उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट, अगर पुरानी कोई गाड़ी है कहीं पे भी टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा उसके कारण से भी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर अनजान गाड़ी चलाने वाला उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये जो है ये दोनों जो है, चाहे वो हमारा RTO ऑफिस की बात है या ट्रैफिक पुलिस की बात है, इन लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि आइंदा से इस तरीके के जो एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हो जाए। ऑलरेडी हमें बहुत नुकसान हुआ है। सर आपने जैसे कहा कि बहुत सारे एक्सीडेंट डिस्ट्रिक्ट, देखिए मैंने यही बात बताई कि यहाँ हमारा ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है